चना दाल और लौकी की सब्जी, आप इसे दाल भी बोल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है और इसके बनाने का तरीका एकदम आसान है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीएम रसोई में। लौकी और चना दाल की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 400 ग्राम के करीब लौकी ली है और 150 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने अच्छे से 2-3 बार धोकर इसे 3 घंटे के लिए भिगा के रख दिया था और ये अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब लौकी को हमें छील लेना है। यदि आपको चना दाल जल्दी चाहिए तो आप इसे गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भी भिगा के रख सकते हैं, जल्दी से भीग जाती है। और ये लीजिए, यहाँ पर मैंने लौकी को छील लिया है। अब इसे एक बार अच्छे से धो लेते हैं। तो ये देखिए, लौकी को मैंने एक बार अच्छे से धो लिया है। अब इसके बीच से हम कट लगा लेते हैं, क्योंकि लौकी बड़ी है तो ये काटने में आसानी हो। लौकी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी साइज किसी तरह से भी काट सकते हैं, क्योंकि इसे हमें कुकर में पकाना है तो ये जल्दी से ही पक जाती है। तो ये देखिए, मैंने इसके बीच से भी 2 पार्ट कर लिए हैं। अब इसे हम टुकड़ों में काट लेते हैं। तो मैं इसे 1-1 इंच के टुकड़ों में काट रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से काट लिया है। अब इसे हम दूसरी तरफ से 1 इंच की लंबाई में काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारी लौकी को काट के रख लिया है। अब इसे हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो लौकी को मैंने डाल दिया है। अब साथ में हम चने की दाल भी डाल देते हैं। और 1 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस 1 गिलास। अब 1/2 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। 1 छोटा चम्मच तेल डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को मिक्स करना है। तेल डालने से दाल जल्दी से पक भी जाएगी और ये सीटी से इसका जो पानी है बाहर भी नहीं आएगा। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं और 3 से 4 सीटी आने तक इसे पका लेते हैं, ताकि जो दाल है वो पक जाए। तो मैंने इसे गैस पे रख दिया है। अब इसे हम हाई फ्लेम पे 4 सीटी आने तक पका लेंगे। तो मैंने इसे हाई फ्लेम पे 4 सीटी आने तक पका लिया है। अब इसकी हम गैस को निकाल देते हैं और इसे चेक करते हैं कि ये पक गई है कि नहीं। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से पक गई है। बस इसी तरह की दाल हमें पकानी है। मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जब हम इसे मैश कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से ये मैश हो रही है। तो बस इसमें अब हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देना है। तेल अच्छे से गर्म है तो 1 मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है, 1/2 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, 2 से 3 पिंच हींग डाल दी है। अब सभी चीज़ों को चला देना है। और ये देखिए, इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा डालना है। जीरे को हल्का सा चटकने देना है। और ये देखिए, चटक गया है। तो इसमें हम 1 बड़ी साइज की प्याज को बारीक काट के डाल देंगे। अब प्याज को हमें 1 मिनट तक भून लेना है, ताकि जो प्याज है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, प्याज भी अच्छे से भून गई है। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को क्रश करके लिया है। अब इसे हमें हल्का सा भून लेना है। अदरक को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसका जो टेस्ट है कड़वा हो जाता है। अब इसमें हमें टमाटर डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने 2 छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएं। नमक कम ही डालिएगा, क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला है, तो टमाटर के हिसाब से ही इसमें नमक डालना है। अब इसे अच्छे से मिला देना है और इसे ढककर 1 मिनट तक पका लेना है। बीच में 1-2 बार चला भी दीजिएगा। तो इसे हम ढक देते हैं और ढककर 1 मिनट पकने देते हैं। और गैस की फ्लेम को हमें धीमा करना है। तो मैंने इसे 1 मिनट तक पका लिया है। और ये देखिए, टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो एक बार फिर से इसे चला देंगे। और अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। तो सूखे मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरे का पाउडर। अब सभी चीज़ों को थोड़ी देर चला लेना है। और ये देखिए, मैंने इसे चला दिया है। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे, बीच से चीरा लगा के। बस इसे भी हल्का सा भून लेना है। सभी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं और इन्होंने तेल भी सेपरेट कर दिया है।
तो बस अब इसमें हमें ये दाल डाल देनी है। दाल को अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है। मसाले भूनते समय मैंने गैस की फ्लेम को लो किया था ताकि मसाला जले नहीं। अब यहाँ पे यदि आपको दाल पतली चाहिए तो आप पानी डाल सकते हैं और इसे ढक कर 10 मिनट तक और पकाना है। तो इसे पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं और ये लीजिए दाल हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि मुझे पतली दाल नहीं बनानी थी। यदि आप इसे पतला करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डालेंगे और ये लीजिए सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसके साथ खाने के लिए मैं यहाँ पे जीरा राइस भी बना रही हूँ। तो जीरा राइस के लिए यहाँ पे मैंने एक गिलास बासमती चावल लिया है। चावल को हमें अच्छी तरह से धो लेना है तो मैं इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। अब चावल को हमें भिगा के नहीं रखना है, तुरंत ही बना रहे हैं। तो गैस पे मैंने कुकर गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे। अब घी को हल्का गर्म होने देना है। इसमें हम 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 बड़ी इलायची को मैंने तोड़ के डाल दिया है, 2 लौंग डाल दी है और ये 1 छोटी इलायची, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है। सभी चीज़ों को हल्का सा चटकने देना है। सभी चीज़ें अच्छे से चटक गई है तो अब इसमें हम चावल डाल देते हैं। तो ये लीजिए चावल को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हल्के हाथों से हमें 1 मिनट तक भून लेना है ताकि जो चावल है हल्का सा भुन जाए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्के हाथों से 1 मिनट तक। और ये लीजिए चावल हमारा अच्छे से भुन गया है तो इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल लिया है तो 1.5 गिलास इसमें पानी डालना है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। इस तरह से बनाएंगे तो चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। अब इसमें मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिला देना है। तो ये मिक्स हो गया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे 2 सीटी आने तक पका लेना है। गैस की फ्लेम को हमें हाई करना है और हाई फ्लेम पर इसमें 2 सीटी आने देनी है। 2 सीटी आ चुकी है। गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे और जो कुकर की गैस है उसे निकाल देनी है। तो सीटी को इस तरह से ऊपर करेंगे तो इसकी जो गैस है निकल जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया हमारे चावल बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको इन्हें निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल खिले खिले परफेक्ट चावल हैं। 1 गिलास चावल में यदि आप 1.5 गिलास पानी डालेंगे तो आपके चावल भी इसी तरह से खिले खिले परफेक्ट बनेंगे। तो बस हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देते हैं ताकि चावल का फ्लेवर भी बढ़िया आ जाए और ये देखने में भी सुंदर लगे। चावल हमारे सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इसे हम लौकी की सब्ज़ी के साथ सर्व करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन की बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।